Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, today we are going to learn about CSS. So, आज हम CSS सीखेंगे और CSS की एक छोटी सी कोडिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप लेना होगा, तो डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे हम टाइप करेंगे. यहाँ पे हमें टाइप करना होगा डॉक्यूमेंट टाइप, सबसे पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप. तो यहाँ डॉक टाइप टाइप करने के बाद लिखेंगे हम HTML, ठीक है. यहाँ मैं लिखता हूँ HTML, इसको क्लोज करेंगे, नीचे आएंगे, हेड लिखेंगे और हेड के बाद हमें लिखना होगा यहाँ पे सिंपली टाइटल. तो यहाँ टाइटल लिख देता हूँ मैं, और टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे टाइटल हमारा होना क्या चाहिए वो हम दे देंगे. तो यहाँ पे हम टाइटल देना चाहते हैं CSS, ठीक है. तो अभी हम हेड को नहीं क्लोज करते हैं, चूँकि हम CSS सीख रहे हैं तो CSS में हेड को बाद में चल के क्लोज किया जाता है. तो अभी हम यहाँ पर लगाएंगे स्टाइल टाइप, ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल टाइप इज इक्वल टू यहां लिखेंगे हम टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, क्लोज करेंगे इसको, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पे हमें लगाना है हैश का साइन, तो यहां लगाएंगे हैश. यहां लिखेंगे राउंड, ठीक है. यहां पे लिखना है हमें राउंड, और राउंड लिखने के बाद नीचे आ जाइए और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए आप. अब नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर दे दीजिए, तो जो भी बॉर्डर है यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर. इसके बाद फिर रेडियस देना होगा, बैकग्राउंड हो गया, और इसका कलर हम क्या रखेंगे, लाइम रखेंगे. तो बैकग्राउंड यहाँ पे लगा दीजिए सेमी कोलन और यहाँ पर लग दीजिए लाइम. तो यहाँ लाइम रखने के बाद अब हमें क्या करना है, सेमी कोलन लगाना है ताकि ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होता रहे, ठीक है. और टर्मिनेट करने के बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हमने नहीं दिया है तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कोलन लगाने के बाद. यहाँ पे रेडियस रखेंगे हम 60 पिक्सल, यानी 60 पिक्सल का रेडियस यहाँ पर हमें रखना होगा. इसके बाद सेमी कोलन लगाना होगा और अब हम नीचे हाइट देंगे, ठीक है. आइए हाइट दे देते हैं, HEIGST यहाँ लिखिए, और हाइट देने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है कोलन, और यहाँ पे हाइट हम 80 पिक्सल रख देते हैं, 80 पिक्सल, ठीक है. और देन नीचे आएंगे, तो यहाँ विड्थ दे देंगे, तो यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ मैं. तो विड्थ की साइज हम क्या देंगे, विड्थ दे देंगे हम 80 पिक्सल की. तो हाइट भी 80 पिक्सल और विड्थ भी 80 पिक्सल. देन नीचे आइए और यहाँ पर इसको कर दीजिए क्लोज, ठीक है. और नीचे आइए, फिर वापस से हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हैश का साइन लगाइए स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायर देने के बाद यहाँ पे लगा दीजिए सेमी कोलन, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड को दे दीजिए एक्वा. बैकग्राउंड यहाँ पे हम दे देंगे बैकग्राउंड एक्वा, टर्मिनेट करना है. फिर फ्लोट देंगे यहाँ पे, ठीक है. तो फ्लोट दे देते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये फ्लोट करेगा, तो यहाँ लेफ्ट लिख देते हैं और सेमी कोलन लगा के टर्मिनेट करिए. फॉन्ट यहाँ पे देंगे हम, तो फॉन्ट का जो हम देंगे वो यहाँ पे देंगे नॉर्मल, ठीक है. और नॉर्मल कितना होगा, ये होगा 12 पिक्सल एरियल, ठीक है, 12 पिक्सल एरियल कर देंगे यहाँ पे. और यहाँ पे वापस से सेमी कोलन लगा के टर्मिनेट करिए, और यहाँ पर लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट, तो लाइन हाइट दे दीजिए यहाँ पे जो भी आपको देनी हो. तो यहाँ दे देंगे 15 पिक्सल और यहाँ पे कर दीजिए टर्मिनेट. इसके बाद आपको आना है अगले पेज पे और यहाँ पे हाइट देना है 23 पिक्सल, ठीक है. यहाँ पे हमें हाइट क्या देना है, 23 पिक्सल. तो इसको टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे हाइट देंगे HEIGST, ठीक है. और यहाँ पर हाइट हम दे देंगे 23 पिक्सल, यानी 23 पिक्सल. 23 पिक्सल देने के बाद टर्मिनेट कीजिए, फिर नीचे आइए, पैडिंग दे दीजिए यहाँ पे. पैडिंग हम देंगे यहाँ पे लेफ्ट में, और लेफ्ट में देने के बाद यहाँ पे 9 पिक्सल की पैडिंग हम देंगे. ये बहुत ही अच्छा एक पेज निकल करके आएगा जब हम इसको ख़त्म करेंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है. अभी आपको थोड़ी दिक्कत लग रही होगी कि काफ़ी लंबा कोड होता चला जा रहा है,
लेकिन जब ये निकल करके आएगा तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बनेगा हमारा। तो यहाँ ओवल कर देंगे, और ओवल करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे सेमी कोल कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे अब ओवल की कोडिंग हमें करनी होगी। सबसे पहले यहाँ बैकग्राउंड दे देते हैं हम, बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या देंगे हम, ग्रे दे देते हैं, ठीक है। टर्मिनेट करेंगे, कलर दे देंगे वाइट, और वाइट कलर देने के बाद इसको भी टर्मिनेट करेंगे। डिस्प्ले दे देंगे ब्लॉक, जैसा कि हम देते आ रहे हैं ऊपर से। टर्मिनेट करेंगे, नीचे आएंगे, फ्लोट दे देंगे लेफ्ट, और टर्मिनेट करके नीचे आएंगे। फॉन्ट दे देंगे नॉर्मल 13 पिक्सल का, ठीक है। तो यहाँ फॉन्ट देता हूँ मैं, और फॉन्ट हम यहाँ नॉर्मल देंगे, यहाँ नॉर्मल फॉन्ट दे दिया हमने, और ये फॉन्ट होगा 13 पिक्सल का। 13 पिक्सल का फॉन्ट देने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक फॉन्ट का नाम लिखेंगे तहुमा, ठीक है, और यहाँ से इसको कर देंगे टर्मिनेट। देन नीचे आएंगे, अब लाइन हाइट देंगे, ठीक है, लाइन हाइट हमको 16 पिक्सल रखना है। बाद आप कर दीजिए इसको टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट करने के बाद पैडिंग दे दीजिए लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ देता हूँ मैं पैडिंग LEFT लेफ्ट, और अब हमें क्या करना है, अब हमें पैडिंग देने के बाद अब टेक्स्ट की डेकोरेशन करेंगे, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ कर देंगे नन, ठीक है। टर्मिनेट करिए, नीचे आइए, विथ दे दीजिए 100 पिक्सल, विथ 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल यहाँ पे होना चाहिए, PXL नहीं होना चाहिए, तो इसको कर लीजिए। देन नीचे आइए, और नीचे आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर की रेडियस कर दीजिए 60 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस 60 पिक्सल, ठीक है। इतना करने के बाद फिर ये प्रोग्राम हमारा यहाँ तक का काम पूरा हुआ। अब हमें आगे बोल्ड करना है इसे, तो यहाँ पे हैश साइन लगाइए, यहाँ लिखिए बोल्ड, ठीक है। बोल्ड लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइए, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद, और यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे दे देंगे हैश का साइन लगाएंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे हम, ठीक है, हैश 778 ये लिख देंगे हम, और टर्मिनेट करवा देंगे इसको, और यहाँ पे कलर दे देंगे वाइट कलर, कौन सा देंगे हम, वाइट देंगे। तो यहाँ वाइट कलर देते हैं। वाइट कलर देने के बाद इसको करिए टर्मिनेट, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर दीजिए, ठीक है। कलर वाइट दे चुके हैं हम, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर देंगे बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल, और यहाँ पे कर देंगे हम सॉलिड ग्रे। सॉलिड ग्रे करने के बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। तो यहाँ दे देंगे बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड दे दिया हमने, और ने और यहाँ पे दे देंगे हम 8 पिक्सल। इसको टर्मिनेट करिए, देन यहाँ पे बॉक्स शैडो पे आ जाइए, बॉक्स शैडो डाल दिया हमने, 3 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल ऐसे करके हम देते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले दे देंगे हम 3 पिक्सल, ठीक है, फिर दे देंगे 3 पिक्सल, फिर दे देंगे यहाँ पे 4 पिक्सल, और फिर यहाँ पे क्या दे देंगे, RGBA, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू एक्वा, ठीक है। ये दे करके ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पे 0.0.0 ऐसे करके देते जाइए, ये दे दिया हमने, और एक बार पॉइंट लगाइए 5,
ठीक है, यहाँ कॉमा देने के बाद पॉइंट लगाइए 5, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए। तो ये बंद कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करने के बाद यहाँ वेब किट लगाना होगा, वेब किट, ठीक है। वेब किट देने के बाद यहाँ लगाएंगे बॉक्स शेडो पिक्सल, फिर लिखूंगा 3 पिक्सल, यानी 3 टाइम 3 पिक्सल लिखूंगा, ठीक है, नहीं बल्कि लास्ट टाइम हम लिख देंगे 4 पिक्सल, ठीक है, यानी तीसरी बार हमें 4 पिक्सल लिख देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही बना हुआ है। और उसके बाद RGBA जैसा लिखा हुआ है ऊपर वैसा ही हम लिखेंगे RGBA, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वही 0 0 0 और 0.5 रखना है। तो यहाँ 0 0 0 0.5, ठीक है, इसको कर दीजिए बंद और आपका काम हो चुका है, ठीक है। और नीचे आइए, अब आपको फिर यहाँ पे बैकग्राउंड में वेब किट लगाना होगा। तो यहाँ लिखिए बैकग्राउंड, और यहाँ बैकग्राउंड लिखने के बाद आपको लिखना होगा बैकग्राउंड में भी वेब किट देना होगा। तो यहाँ हाइफन देके वेब किट लिखिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स शैडो भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉक्स शैडो नहीं देना चूँकि बैकग्राउंड में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं वेब किट, ठीक है, और वेब किट के बाद हाइफन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कलर लगाएंगे यहाँ पे। तो ग्रेडियंट दे दिया हमने, लीनियर दे देंगे, रेखीय, और ये बॉटम देने के बाद हमें कॉमा देना है। देन नीचे आएंगे और यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे कोड देना होगा, और वो कोड जो है कलर का कोड है। तो यहाँ लिखेंगे A4, ठीक है, A4CC, स्मॉल में लिखिएगा आप EC, ठीक है, E के बाद लिखेंगे C। उसके बाद इसको ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ कलर लगाएंगे COLOR कलर, ठीक है, कलर लगाने के बाद स्टॉप, ठीक है, यहाँ स्टॉप कर देंगे इसको, और बीच में हाइफन रहे ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देंगे हम 25%, ठीक है, यहाँ दे दिया 25%। तो इसके बाद हमें देना है कॉमा, और उसके बाद हम देंगे हैश, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैंने हैश लिख लिया, ठीक है, और अब हम देंगे कोड। तो यहाँ देंगे 72A6D4, A6D4, तो A6D4 देने के बाद अब हम इसको कर देंगे क्लोज और यहाँ लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ कलर हाइफन लगा के स्टॉप, कलर यहाँ स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे देंगे ब्रैकेट में इसका परसेंटेज, तो 45% यहाँ दे देंगे। 45% देने के बाद यहाँ लगाएंगे कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने, और 45% देने के बाद अब यहाँ पे हम देंगे, ठीक है, फिर यहाँ हैश लगाइए 357, ठीक है, ये कोड है कलर का, और CBD ये लिख दीजिए आप, ठीक है। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, कॉमा दे दीजिए, और आगे का कलर कोड हमें लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 2, ठीक है, और यहाँ पे जो कलर कोड है वो हैश से शुरू होगा, तो #72A6 ये लिख देंगे हम, और यहाँ लिखेंगे D4, बस। इसके बाद इसको करेंगे क्लोज, ठीक है, यहाँ दो ब्रैकेट क्लोज होगा, और इसको टर्मिनेट कर दीजिए यहाँ से। और इसके बाद आपको लगाना है backslash, ठीक है, तो backslash कहाँ से लगाएंगे हम, backslash लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ से backslash लगा देंगे हम,
तो ये बैक स्लैश हमने लगा दिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ लगाना है स्टार, ठीक है, ये स्टार भी लगा दिया हमने। और स्टार लगाने के बाद यहाँ पे लिखिए फिर वापस से वेब किट, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे वेब किट, ओके। वेब किट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेडियंट, ठीक है, और ग्रेडियंट कलर लगाने के बाद बैकग्राउंड लगा दीजिए। बैकग्राउंड को लगाने के बाद यहाँ फिर वापस से स्टार और बैक स्लैश लगा दीजिए आप, ठीक है, ये हो गया आपका काम। और नीचे जो है विथ दे दीजिए आप, सिर्फ विथ दे दीजिए यहाँ पे, तो चौड़ाई यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ये है विथ, तो विथ कितनी देनी है हमें यहाँ पे, 100 पिक्सल की विथ दे दीजिए आप, 100 पिक्सल। तो यहाँ बॉडी लगा दिया हमने, और बॉडी में हमें क्या देना है, कैसे देना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे H1 कोड, ठीक है, सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं अप्लाइंग CSS बटन्स, ठीक है, और यहाँ पे H1 को कर देंगे क्लोज, तो ये हो गया क्लोज। देन नीचे आएंगे, अब यहाँ लगाएंगे हम H3, H2 नहीं लगाएंगे, H3 लगाएंगे, तो यहाँ लगाता हूँ मैं H3, और यहाँ लिखूँगा मैं राउंड शेप्ड बटन, ठीक है, राउंड, क्योंकि ये बटन राउंड शेप्ड ही बनेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ राउंड शेप्ड बटन, और इसको कर दूंगा क्लोज H3 को, यहाँ से क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ पे बटन हमें बनाना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा बटन, इसको यहाँ से करिए क्लोज, ठीक है, बटन को, और देन अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे डबल टी होगा, ये टी छूट गया है, कैपिटल बनाते हैं इसको, ठीक है, तो बटन लिखना है हमें, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पूरे को, और कॉपी करके इसको नीचे कर देता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है, पेस्ट करिए। यहाँ पे आपको बस बटन 2 लिख देना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन 2 लिखना है, तो ये बटन 2 लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे BR और HR टैग का यूज़ कीजिए, ठीक है, तो मैं ये दोनों सिंगुलर टैग होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो पहले मैं BR टैग का यूज़ करूँगा, ये क्लोज नहीं होते हैं, फिर देन HR टैग का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब नीचे आऊँगा HR टैग हॉरिजॉन्टल के लिए, और यहाँ पे फिर हम लेंगे H3 टैग, ठीक है, तो H3 ले लिया हमने, और यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर शेप्ड बटन, स्क्वायर शेप्ड बटन ये लिख दिया हमने, और यहाँ से कर दीजिए इसको क्लोज H3 को। अब यहाँ स्क्वायर शेप बटन का या पूरा यहाँ हमें बनाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे बटन BUTTON, बटन की आईडी हम दे देंगे, यहाँ आईडी देंगे, तो आईडी इज इक्वल टू स्क्वायर दे देंगे, SQUARE, ठीक है, तो स्क्वायर दे दिया हमने। स्क्वायर देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले तो इसे क्लोज करते हैं, और अब हमें यहाँ लिखना है बटन 1, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बटन 1। बटन 1 लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें बटन को क्लोज करना है, ठीक है, और फिर बटन आईडी बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले बटन को क्लोज करते हैं, देन अब हमें बटन आईडी बनानी है फिर से, ठीक है, कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बटन कैपिटल में, और यहाँ आईडी बनाएंगे बटन आईडी,
स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बटन टू दे देंगे। स्क्वायर कर देते हैं और यहां दे देते हैं बटन टू। और ये बटन टू देने के बाद इसको कर देंगे हम यहां से क्लोज, ठीक है, क्योंकि इसका काम भी अब खत्म हुआ तो इसको यहां से कर दीजिए क्लोज बटन को। ये बटन को क्लोज करने के बाद यहां देखिए डबल हो गया है, इसको सिंगल कर लीजिए आप। इसको क्लोज करने के बाद अब हमें क्या बनाना है, हमने बटन टू को भी बना लिया, तो अब यहाँ मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ। ये मैं टू टाइम्स लगाऊंगा ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले बीच में, ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैग लगा दूंगा। इसके बाद नीचे आऊँगा तो फिर अब यहाँ पे ग्रेडियंट S3 लगाऊंगा फिर से, और यहाँ लगाऊंगा मैं ग्रेडियंट बटन, ठीक है, ग्रेडियंट बटन, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे क्लोज S3 को, ठीक है। क्लोज होने के बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हमें बटन बनाना है तो यहाँ मैं लिखूँगा बटन ID इज इक्वल टू बोल्ड, को कर दीजिए यहां से क्लोज, और यहां लिख दीजिए बटन वन, ठीक है, देन यहां पर आपको बटन को करना होगा क्लोज। क्लोज करने के लिए आपको यहां पे लगाना होगा बैक स्लैश का साइन, फॉरवर्ड स्लैश का, ठीक है, जो भी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बटन आईडी लेंगे और इसको बोल्ड करेंगे, ठीक है, तो यहां मैं ले लेता हूं बटन आईडी इज इक्वल टू, अब हमें क्या देना है यहां पे बोल्ड देना है, यहां बोल्ड दे देंगे, तो लिखता हूं मैं BOLD, ठीक है, इसको बंद करूंगा। और यहां बोल्ड देने के बाद अब यहां लिख दूंगा मैं बटन टू, ठीक है, बटन टू, ठीक है, और फिर यहां बटन को कर दूंगा मैं क्लोज। बटन को क्लोज करने के बाद आपको बॉडी और HTML को भी करना है क्लोज, तो यहां पे मैं सबसे पहले बॉडी को क्लोज करूंगा, जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे पहले क्लोज करना होता है, और देन HTML को भी क्लोज करके, और अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से मैं सेव करता हूं इसको, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा ग्रेडियंट के नाम से, और आप .html लगाना ना भूलें, ठीक है, ये .html लगा करके मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। चलिए ये देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करा के कि ये किस प्रकार से रन होता है, तो क्रोम पे इसे मैं रन कराता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये रन हुआ है और ये किस प्रकार से ये बटन्स बने हुए हैं इसमें, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि इतनी बड़ी कोडिंग करने के बाद ये राउंड शेप्ड बटन और ये स्क्वायर शेप्ड बटन कैसे बन रहे हैं, और ये देखिए इस टाइप के बटन कैसे बन पा रहे हैं। आई होप कि ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।